खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां 10 वर्षीय किशोर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। गांव से दूर मृतक किशोर का शव मिलने से गांव में मातम सा छा गया। आपको बताते चलें कि मृतक रोहित पतंग लेने गया था। मृतक किशोर की मौत से पूरे गांव में मातम सा पसरा हुआ है। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी सदर हीरालाल कन्नौजिया ने घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लिया। थाना बसई मोहम्मदपुर के तोतलपुर गाँव का है पूरा मामला। मेरा नाम मनोज कुमार है, ये मेरे भतीजा है, लड़का जो अमित है मेरे भाई का लड़का है। तो मैं बिजली घर से आया तो मुझको मालूम पड़ा, तो मैं तुरंत यहाँ पर मौके पर पहुँचा। करीबन 11 बजे घर से गायब है। देखा सब मिला है, पूरा मामला क्या है? मीडिया बंधु, मैं आपको बताना चाहूँगा, समय 1800 बजे जरिए मठ से हमारे एसओ बसई साहब हैं, उन्होंने अवगत कराया कि सर ऐसा है, बिहार है तोतलपुर गाँव पड़ता है, जो 1 किलोमीटर अंदर बिहार है, बबुल का जंगल है पूरा और खाई भी है करीब 25 फीट। वहाँ से सूचना मिली कि 1-10 साल के बच्चे की कोई डेड बॉडी पड़ी। इस आधार पर हम लोगों ने तत्काल यहाँ पहुँचा और पुलिस मौके पर पहुँच गई और पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग जानकारी किया, वही है कि कोई चोट के निशान तो नहीं आ रही है और न ही कोई मारने के निशान आ रही है। उसका मुंह से कोई चीज़ निकला हुआ है, गाज टाइप का, चीटियाँ उसको चेहरे पर कवर की थी। अभी तक कितनी जानकारी हो पाई है पुलिस अपने पूरी जानकारी में, कार्रवाई होने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम भेजाया जा रहा है। इसके बाद छानबीन करके पूर्व से अवगत कराई जाएगी। अगर किसी प्रकार से कोई वारदात हो तो विभागीय कार्रवाई 100% की जाएगी। सर बच्चे का नाम और कितनी उम्र थी करीब? 10 साल का बच्चा है, नाम है रोहित कुमार, सर नाम मुन्नालाल, उनके साथ एक बच्चा था, क्या नाम अमित, अमित एक बच्चा था, वो भी 10 साल का लगभग का है। दोनों लड़के ये घर से निकले थे, जो उसका भतीजा है, चाचा का लड़का है, ये दोनों कहीं 11:30 बजे कहीं गए हुए थे खेलने के लिए। खेलने के बाद ये 12 बजे के लगभग घर पे आए हैं, वो वही रुक गया है चूड़ी लगाने के लिए और ये पतंग पकड़ने के लिए भी बता रहा था कि जंगल की तरफ ये पतंग पकड़ने के उद्देश्य से आया, इतना ही वो बता पाया है। पुलिस अपने कार में लगी हुई है, किसी प्रकार कोई ऐसा संदिग्ध होता है तो विभागी जो कार्रवाई होता है वो पूरा 100% की जाएगा, परिवार को पूरा संतुष्ट किया जाएगा। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।